गर्मी अब सर चढ़कर बोल रही है, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। सो डील करना पड़ेगा यार मौसम के साथ, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ विशाल सिंह बैक अगेन विद अनदर ब्लॉग वीडियो। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ माय लास्ट ब्लॉग, सो प्लीज़ पूरा देखना एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो वी आर गोइंग बैक नाउ और इस प्लेस को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। देखो यार कितनी सुंदर जगह है, काश ये हमें रोज़ विजिट करने को मिलती। और हम लोग ट्राई करेंगे कि हफ्ते में एक बार या फिर 15 डेज में एक बार आने को जरूर मिले। लेट्स सी, हमारे दो और फ्रेंड्स हैं उनको भी इन्वेज करेंगे लाने का। गाइस रास्ते में एक ये जगह मिली है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत है, मतलब पूरा जंगल है। एज यू कैन सी फुल जंगल, सो मच पीस। और यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे बस, और निकल के ऐसा लगा बस थोड़ी देर वी जस्ट सडनली स्टॉप। यस, और अब हम लोग ट्राई करेंगे कि अंदर क्या है, क्योंकि मोर की बहुत सारी आवाज़ आ रही है, बट आई डोंट थिंक कि अंदर जगह है। ये जो पीछे का रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम लोग अंदर जाने का ट्राई करते हैं। तो वी जस्ट एंटर्ड दिस जंगल एंड यहाँ पर अंदर जाने का बहुत ज़्यादा रास्ता तो नहीं दिखा है, बट जितना अंदर तक गए बहुत ही क्लीन एंड फुल ग्रीन। और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, बस यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते क्योंकि ये प्लेस अननोन है और पता नहीं कौन कब कहाँ से आ जाए। सो रिस्क नहीं लेना है, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आगे क्या है, आगे भी और चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन तो है। और अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 7 o'clock, सो बहुत टाइम है हमारे पास, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और ये ब्लॉग क्या मोड़ ले रहा है आई डोंट नो, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, बस हम लोगों ने गाड़ी उठाई और चल दिए अपनी टू व्हीलर। और बेसिकली ये जो ब्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये एक टेस्ट ड्राइव था, और टेस्ट ड्राइव था इसका, ये हमारा नया स्कूटर जुपिटर। एक्चुअली हम लोगों ने इसने एक नया स्कूटर ख़रीदा है, सो हम लोग उसका एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले रहे थे इसकी फर्स्ट सर्विस के बाद। इसने एक नया स्कूटर लिया है, दिस इज़ जुपिटर, न्यू जुपिटर। सो इसका कल ही एक सर्विस हुआ है 1000 किलोमीटर के बाद, और हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेने का सोचा था, और टेस्ट ड्राइव के चक्कर में हम लोग इतना दूर आ गए। और ये टेस्ट ड्राइव बहुत ही अच्छी रही है, अमेजिंग रही, और इसके हम लोग डेफिनेटली रिव्यू देंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि इसको हम टेस्ट करके आए कि इसमें कितना ये कितना स्ट्रांग है, क्योंकि हम लोग इससे पहले प्लेजर यूज़ कर चुके हैं जो कि हीरो होंडा की थी, राइट, हीरो होंडा प्लेजर। सो अब लोगों इस बार हम लोगों ने TVS ट्राई किया है, मतलब इन्होंने TVS ट्राई किया है, सो देखते हैं। बट ये ब्लॉग और ये राइड और ये टेस्ट ड्राइव कुछ अच्छा और एक खूबसूरत मोड़ ले रही है, सो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग, मतलब 6 महीने तो ऑलमोस्ट घर में निकल गए, 4 महीने तो कोरोना की वजह से, और 2 महीने को हम लोग आफ्टर 4 मंथ्स राइड अभी तक, यस एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जा ही नहीं पा रहे थे कहीं भी, फाइनली हम लोग इतना दूर आए, एग्जैक्टली 50 किलोमीटर अप्रॉक्स। और ये गाइस पूरा सेफ है, सो हम लोग पूरे प्रिकॉशंस के साथ आए। आप लोगों को आगे के कुछ क्लिप्स में देखने को मिलेगा कि हम लोग जहाँ भी रुक रहे हैं हम लोगों ने सारी चीज़ें सैनिटाइज करके ही चल रहे हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला स्टॉप क्या होने वाला है।
Cause you never show. You say you will, but then you don't. And this is Imami Nature's Residency, which is spread approximately 100 acres. नई टाउनशिप बन रहा है एंड दिस इज़ ऑन शिवपुरी ललितपुर रोड. सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. अभी काम चालू है सो देखते हैं कब तक बनता है. और अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब देखो एक छोटा सा टाइम लैप्स. और ये वाला ब्रेक इमरजेंसी के लिए. सो हेमंत गया है और मैं वेट कर रहा हूँ. गाइस पहले आप लोग ये वाला क्लिप देखो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस क्लिप में आप लोग देखोगे कि जो हमारे पुलिस मैन है जो हमें मास्क ना पहनने पे चालान बना रहे हैं, जो लोग हमें पनिश कर रहे हैं वो खुद ही मास्क नहीं पहन रहे हैं. आप लोग एक वाला क्लिप देखो. सो सबके साथ इक्वल होना चाहिए. जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है, पुलिस मैन है, जो भी है, सभी को इक्वल रहना चाहिए. और अगर वो लोग नहीं पहनेंगे मास्क तो फिर नॉर्मल पब्लिक देख के उनको कैसे इंस्पायर होगी. तो प्लीज ये वाला क्लिप देखो. सो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं आफ्टर ड्राइविंग फॉर 120 किलोमीटर्स. और ये वाली राइड बहुत ज़्यादा अच्छी रही अभी तक की, बहुत ज़्यादा अच्छी राइड थी, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन के बाद में ये हमारी शायद पहली राइड थी और पूरे चार महीने के बाद आया ना आज. और ये काफ़ी 2 साल बाद आया है जब हम लोग फाइनली हम लोग एक साथ घूमने गए हैं कहीं पे. और हाँ, अब जो मेन बात बतानी थी वो ये थी कि एक्टिवा सॉरी जुपिटर तो समझ रहे हो. सो गाइस जो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग उसका रिव्यू देंगे, वैसे हम होते कौन रिव्यू देने वाले, फिर भी हम लोग दे देते हैं क्योंकि हमने गाड़ी खरीदी है, हम लोगों ने एक्टिवा पैसे खर्च किए सॉरी अगेन, तो हम लोग रिव्यू दे ही देते हैं. और हम लोगों ने खरीदी है जुपिटर, टीवीएस जुपिटर, जो कि बहुत ही अच्छी है. पहला प्लस पॉइंट हम गिनाएंगे, इनके मुँह से सुनेंगे और फिर मैं गिनाऊंगा माइनस पॉइंट. तो बताएं हेमंत चौधरी, फर्स्ट पॉइंट वॉज अ स्मूथ राइड. 60 किलोमीटर्स कंटिन्यूसली राइड करने के बाद मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है कुछ भी, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी राइड. फर्स्ट पॉइंट ये है. ओके सो माइनस पॉइंट उसका ये है कि मुझे पर्सनली उसके हैंडल्स जो है वो बहुत नीचे डाउन और मतलब थोड़े नैरो लगे. मतलब उसका जो एकदम हैंडलिंग है वो थोड़ी सी कम लगी मुझे, छोटी लगी. एक और प्लस पॉइंट, सीटिंग वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल इवन आफ्टर राइडिंग फॉर 60 किलोमीटर्स. इट वॉज लाइक कि बैक एक हल्का सी भी नहीं, मतलब यानी हाँ ठीक है 60 किलोमीटर इज नॉट अ बिग डील, बट स्टिल थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ टायरिंग हो रहा है. बट उस पर राइड करने के बाद में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हाँ थोड़ा भी हम लोग टायर्ड हुए हैं, नहीं. इट वॉज अ रियली कम्फर्टेबल राइड. आई एग्री. एंड अनदर माइनस पॉइंट, मुझे एक और चीज़ लगी कि गाड़ी थोड़ी सी नीचे है, स्कूटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है. क्योंकि जब हम लोग चला रहे थे तो उसकी जो स्पीड है वो इतना पिकअप नहीं ले पा रही थी. ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के बाद भी, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के बाद में उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए था, बट दो उसकी स्पीड काफ़ी कम थी. और ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से स्पीड ब्रेकर्स हमारे इंडियन रोड्स पर स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी ऊँचे होते हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी दो लोग बैठने के बाद में भी वो ऐसा लग रहा था कि हर बार वी हैव टू स्लो इट डाउन, हमेशा स्पीड स्लो करनी पड़ रही थी जब भी ब्रेकर आ रहा था, तो सो डैट वो ब्रेकर से टच ना हो. सो थर्ड प्लस पॉइंट इज इसका माइलेज काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी स्कूटर्स के कंपैरिजन में इसका माइलेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इवन इन 200 का हमने फिलिंग कराया था, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा चल गया ये. इन जस्ट 200 120 किलोमीटर चलाने के बाद में भी वी हैव यूज्ड इट फॉर अनदर 20-30 किलोमीटर्स. माइलेज इन 200 माइलेज इन 20. ओके सो नेगेटिव पॉइंट इज ये स्कूटर है 109.7 सीसी, बट इसकी स्पीड थोड़ी सी कम लगी हमें, या फिर अभी शायद इसको बहुत टाइम कम टाइम हुआ है, जो अभी हम इसको और चलाएंगे
देखेंगे माइट बी दैट माइट बी एन इशू बट द स्पीड वाज मैक्सिमम 70-75 और हार्डली इट वाज गोइंग फॉर 80 जब स्लोप आ रहा था डाउन स्लोप आ रहा था तभी अदरवाइज उसकी स्पीड हार्डली 75 भी जा रही थी इससे ज़्यादा नहीं जा पाई सो ओवरऑल स्कूटर इज गुड एंड हम इसको देंगे 5 में से 4 पॉइंट्स और ऑब्वियसली हमारी गाड़ी है और हमारा जुपिटर है हमारा स्कूटर है तो हम इसको अभी बहुत चलाएंगे और चलाएंगे बट लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वैसे हमने ये लॉकडाउन में नहीं किया है यस yes. हम लोगों ने ये लॉकडाउन में नहीं और किया हमने सारे सेफ्टी लिए सारे प्रिकॉशंस लिए हमने हर जगह पे सैनिटाइजर यूज़ किया अगर इवन हमने जहाँ पानी बोतल भी लिया उसको भी हमने सैनिटाइज करके फिर उसको यूज़ किया है ओवरऑल इट वाज वेरी वेरी गुड राइड और अब हम लोग नेक्स्ट बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं वो एक प्रॉपर मोटो ब्लॉग काइंड ऑफ हम लोग शूट करने का प्लान करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतने प्रॉपर गैजेट भी नहीं है और ऑनलाइन अभी हम लोग नहीं खरीद रहे हैं yeah. जैसा भी था जो भी था ये हमने अपने दैट वाज द नेचर राइड तो बहुत ज़्यादा मजा आया और आप लोगों ने पूरा देखा इस क्लिप में कि कितनी सुंदर अच्छी जगह पर गए थे और ये सब प्लेस हमारे सिटी के आसपास ही है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मतलब अगर आप झांसी से हैं तो आप लोगों को पता ही होगा और जो लोग नहीं हैं तो प्लीज़ जब भी आओ ट्राई करना माता टीला डैम जाने का आफ्टर लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं कहीं पर भी नहीं घूमना है हम लोग भी बहुत सेफली गए और सेफली आए पूरा प्रिकॉशंस के साथ सो इट वाज वेरी गुड राइड और अब हम लोग नेक्स्ट प्लान करेंगे उसमें हम और नई जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि आप लोगों को और क्या अच्छा दिखा सकते हैं और हम कहाँ और अच्छा घूम सकते हैं सो हमारा एक और फ्रेंड है जो कि ब्लॉगर है उनका नाम है दीपक कुमार ब्लॉग्स सो ही इज़ हियर वो आ रहा है एक मिनट में सो उसके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दीपक कुमार ब्लॉग्स ये यहाँ पर है तो इनके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना सो इस वीडियो को हम लोग अभी यहीं रखते हैं क्योंकि बातें भी बहुत लंबी हो गई हैं और क्लिप्स भी शायद लंबी हो गई है सो मिलते हैं अगले वीडियो बहुत जल्दी और बहुत जल्दी मिलेंगे अब हम लोग मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है मैंने बहुत लंबा गैप लिया था पिछला वीडियो मेरा आया था 3 या 4 महीने पहले मार्च में और प्लीज़ नया चैनल है तो थोड़ा सा ध्यान दो सब्सक्राइब करो कुछ भी नहीं जा रहा है आप लोगों का पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं सब्सक्राइब कर दो बेटा लाइक एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन इनके ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन यस इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो हम लोग ट्राई करेंगे अच्छे वीडियोज़ बनाने का अभी हम लोग बिगिनर्स हैं सो प्लीज़ मैनेज कर लो सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स जो भी है आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें सजेशन दे सकते हैं प्लीज़ तो यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं और मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू सो मच बाय